किसी इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई उसके अंदर चलती है, वो लड़ाई जो खामोशी से लड़ी जाए, वो लड़ाई जिसमें जीत या हार पर कोई परचम नहीं लहराया जाएगा, वो लड़ाई जो गुमनामी में लड़ी जाती है, जिसमें आप हर विपरीत परिस्थिति में भी हर बार सही को चुनते हैं। क्या आप एक साधारण इंसान की असाधारण लड़ाई की गाथा सुनने के लिए तैयार है? तो चलिए आज मूवीज टाइप की कहानी में हिटलर की सेना का एकमात्र ऐसा सैनिक जो हिटलर के ही खिलाफ लड़ा और आखिरी दम तक उससे लड़ा, 2019 की हिडन लाइफ, डायरेक्टर टेरेंस मलिक, आईएमडीबी 7.4। दोस्तों, हमारी एमटी फैमिली 3 लाख पूरे होने में बस कुछ ही दूर है। आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट से हम सभी यहाँ तक पहुँचे हैं। हमसे कहानी सुनना आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आपकी तरफ से भी थोड़े लाइक, शेयर, हर्ट्स, कमेंट्स पक्के से करें। जो नए हैं और हमें सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसा ना करें, सब्सक्राइब तो कर दो, आपके लिए ऐसे ही कहानियाँ लाते रहेंगे यार। तो फिर चलिए अभी फिलहाल ये कहानी सुनते हैं। वो दौर द्वितीय विश्व युद्ध का था, जब दुनिया की बदसूरत असलियत से दूर एक सुंदर दुनिया थी। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, बादलों से घिरा एक छोटा सा गांव। यहाँ फ्रांस नाम का एक किसान अपने छोटे से हंसते खेलते परिवार के साथ रहता है, जिसमें उसकी बीवी फैनी, 3 छोटे-छोटे बच्चे और एक बूढ़ी माँ है। वो सभी पीढ़ियों से खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते आए हैं। इनकी हर जरूरतें इस मिट्टी से पूरी होती है। लोग आपस में भाईचारे से रहते। ये गांव एक बड़े से परिवार की तरह है। एक के घर शादी में पूरा गांव जश्न मनाता, और फैनी उसकी बराबरी की हकदार है, फिर चाहे वो जिंदगी हो या रोजमर्रा के काम। दिन भर मेहनत और रात को चैन की नींद, तब जिंदगी बहुत सरल और खूबसूरत थी। उन्हें लगा था कि कोई मुसीबत उनके घर तक नहीं पहुँच सकती है। फिर एक दिन बड़े लड़ाकू हवाई जहाज उनके घरों के ऊपर मंडराने लगे और पूरी घाटी शंका के बादलों से घिर गए। जर्मनी के हिटलर, जिसने अपने अधीन हुए सभी देश के लोगों को कोने कोने से सेना में भर्ती होने का आह्वान दिया है, ये खबर जल्द फ्रांस के गांव तक भी पहुंची। हर घर से एक बूढ़ा, बच्चा या जवान हो, उसका सेना में भर्ती होना अनिवार्य है। फ्रांस समेत कई किसानों को किसानी छोड़ वर्दी पहन हाथ में बंदूक लिए सेना की ट्रेनिंग में जाना पड़ा। घर से दूर कुछ दिन तो काफी मस्ती में निकला, उनमें से कोई भी गंभीर नहीं था कि वो युद्ध में जा रहे हैं। हल्की फुल्की ट्रेनिंग में पूरा दिन निकल जाता। समय समय पर वो गांव में फानी को खत लिखता रहता। ऐसे कुछ महीने गुजर गए। एक दिन कैंप में सभी सैनिकों को देश दुनिया भर में क्या हो रहा है इसकी तस्वीर दिखाई गई। कैसे जर्मनी सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा है। हर किस्से के दो पहलू होते हैं। किसी को उन तस्वीरों में हिटलर की जीत दिखाई दी, तो किसी को इंसानियत की हार। इस वाक्य ने फ्रांस को ही अंदर तक झंझोर दिया। वो उसके बाद से अकेले में काफी वक्त बिताने लगा। फिर कुछ दिनों बाद खबर आई कि फ्रांस ने जर्मनी के सामने युद्ध में घुटने टेक दिए हैं। फिलहाल के लिए जल्द ही ट्रेनिंग से सभी को घर लौटा दिया गया। जिस तरह फ्रांस गया था, एक दिन वापस घर भी आ गया। शायद ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि उसके जाने और आने के बीच उसमें बहुत कुछ बदल गया है। मगर धीरे धीरे सब एक बार फिर पहले जैसा होने लगा। घर ने बुरी यादों को भुला दिया, लेकिन फ्रांस की आंखों में आज भी कभी कभी वो मंजर जाग उठता है, जिस हकीकत से वो कोसों दूर आंखें बंद किए बैठा है। मगर सच्चाई दोबारा दस्तक देने पहुंची। युद्ध फिर से शुरू हो गया। एक एक कर गांव के लोग सेना में भर्ती के लिए आने लगे, मगर इस बार सीधे युद्ध भूमि के लिए रवाना होना है। धीरे धीरे और सेना के अफसरों का वहां आना जाना होने लगा, और इस तरह पूरे गांव की हवा ही बदल गई। गांव के मेयर तक उनकी जुबान बोलने लगे हैं, क्योंकि उस जमाने में कोई भी हिटलर के खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकता। युद्ध में बेगुनाह लोगों के मारे जाने पे हिटलर की बर्बरता पर, उसके अनैतिक नियमों पर किसी को एतराज नहीं। हिटलर शुद्ध आर्यन खून की आड़ में हजारों मिश्रित खून वालों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मौत के घाट उतारता रहा, और अब तो ये इस गाँव में भी खुलेआम चर्चा का विषय बन गया। कई पीढ़ियों से एक साथ बसने वाले, कई हैं जिनके रगों में शुद्ध आर्यन खून नहीं बहता, वो दहशत में आने लगे। उनके घरों में भी बच्चे और बूढ़े माँ बाप हैं, मगर ये नाइंसाफी के नंगे नाच के आगे सबकी गर्दन झुकी है। इन हालातों में एक दिन फ्रांस चर्च के पादरी से मिलने गया और बोला, अगर सेना में भर्ती के लिए मेरा बुलावा आता है तो मैं मना कर दूंगा, क्योंकि वो जो कर रहे हैं गलत है। निहत्ते मासूमों की जान लेना, उनकी जमीनें छीनना गलत है, किसी की आवाज नहीं उठाने से गलत सही नहीं होता। पादरी थोड़े अचंभे में पड़ गया और कहा, क्या तुमने इस बारे में अपनी पत्नी से बात की है? कभी सोचा है उनका क्या होगा? वो तुम्हें गद्दार कहकर मार देंगे। फ्रांस को मालूम है कि उसके साथ क्या कुछ हो सकता है,
पादरी ये कहकर वहां से चला गया कि वो बड़े पादरी से इस बारे में बात करेंगे। थोड़े ही दिनों में उसे लेने हिटलर के अफसर पहुंचे। उन्हें फ्रांस जैसे नौजवानों की जरूरत है, मगर फ्रांस ने बड़ी विनम्रता से मना कर दिया। अफसर हक्के बक्के उसे देखने लगे। कुछ दिनों बाद गांव के मेयर उसके घर आया और कहा, सुना कि तुम जाना नहीं चाहते, तो फिर उन लोगों के परिवारों का क्या जिनकी जान युद्ध में गई है? सुना तुमने सैनिक भत्ता के लिए भी मना कर दिया है, आखिर चाहते क्या हो? फ्रांस ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर ये तो बस मुसीबतों की शुरुआत है। अब चर्च के बड़े पादरी ने फ्रांस को मिलने बुलवाया। फ्रांस के मन में कई सवाल है जिसके हल केवल पादरी ही दे सकते हैं। उसने पूछा, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए जब हमारे नेता गलत हो? क्या आंख बंद करके उनके पीछे चलते रहना चाहिए, या सही और गलत चुनने का हक सबको नहीं? थोड़ी देर मौन रहने के बाद भी पादरी कुछ ना बोल सका और फ्रांस वहां से बिना जवाब के चला आया, क्योंकि वो सब डरे हुए हैं। चर्च भी हिटलर के अधीन है, चर्च के काम पर रोक लगा दी गई है, घंटियों को पिघला कर बंदूक की गोलियां बना दी गई है, यहाँ तक कि पादरियों को भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप मारने के लिए भेजा जा रहा है। अब धीरे धीरे गांव के लोगों में बदलाव नजर आ रहा है। एक गांव जहाँ हर घर से कोई युद्ध में लड़ रहा है, वहाँ एक अकेला घर होना जिसने ना जाने की जिद कर ली है, अब वो सबकी आंखों में चुभने लगा है। फिर क्यों दूसरे मरे, वो भी तो उसकी तरह आराम से घर पर रह सकते हैं। उसे गद्दार कहा जाने लगा। गांव की महिलाओं ने फैनी से बात करना बंद कर दिया और बच्चे अब उनके बच्चों के साथ नहीं खेलते, वो उन्हें पत्थरों से मारते हैं। बात इतनी बढ़ गई कि एक बार खेत पे काम करते हुए गांव वालों के साथ फ्रांस और फैनी की हाथापाई हो गई। और फिर एक दिन जिस बात का डर था वो हुआ। फ्रांस को युद्ध पे जाने का बुलावा आया है। फैनी ने कहा, यहाँ से कहीं भाग चलते हैं, कहीं जंगल में। काश ये मुमकिन हो सकता, मगर अब उसे जाना होगा। अगले ही दिन वो बूढ़ी माँ, बच्चों और फैनी को अलविदा कहकर इस सफर पर निकल पड़ा। मालूम नहीं कि वो कभी लौट कर घर आ पाएगा या नहीं। वहां उस जैसे देश के कोने कोने से लोग आए हैं। सबको एक पंक्ति में खड़ा करके जब उन्हें हेल हिटलर के नारे लगवाए गए तो फ्रांस चुप रहा, जिस पे उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सलाखों के पीछे ऐसे कई लोग हैं जिनका मानसिक संतुलन युद्ध में शामिल होने की वजह से बिगड़ा है। वो कभी यहाँ से निकलकर शायद घर ना जा पाए। उन्हें तो ये भी याद नहीं कि वो कौन है। फ्रांस की हालत तो फिर भी उनसे कहीं बेहतर है। फ्रांस ये सारी बातें फैनी को चिट्ठी में लिखता। धीरे धीरे मौसमों का फेरा लगने लगा। बच्चे एक एक साल और बड़े हो गए। फैनी लिखती है, यहाँ सब ठीक है। तुम्हारे बच्चे अक्सर तुम्हारे बारे में पूछते हैं। रेसई को तुम बहुत याद आते हो। वो अक्सर सोते वक्त दरवाजा खुला रखने को कहती है कि पापा आ सकते हैं। खाने की मेज पर कुछ टुकड़े ब्रेड के अपने प्लेट से हटाकर रख देती है, तुम्हारे लिए। अब महीनों बाद एक अफसर को भेजा गया फ्रांस के केस के लिए। फ्रांस, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारी वाहवाही देंगे? दुनिया को पता भी नहीं चलेगा कि इस चार दीवारी के अंदर क्या हो रहा है। तुम्हारी कुर्बानी बेकार जाएगी। तुम ये जो रोज सैनिकों के जूते पालिश करते हो, उनके छोटे मोटे काम करते हो, इसे क्या कहोगे? देखो, हम सबके हाथ खून से रंगे हैं, कोई मासूम नहीं। क्या तुम्हें लगता है तुम हमसे बेहतर हो, या तुम ही बस सही हो? ऊपर वाले ने अच्छा और बुरा सब बनाया है, तो क्या फर्क पड़ता है किसे चुने? आखिर हम सब उसकी ही तो इस दुनिया के हैं। फ्रांस को शाम, दाम, दंड, भेद चारों तरीकों से बहकाने की कोशिश की जा रही है। जब इस जेल की भी बस में बात नहीं रही, उसे बर्लिन शहर भेज दिया गया। 4 मई 1943, देश छोड़ने से पहले उसे बस एक खत लिखने की अनुमति मिली। बंधे हाथों से ठीक से कलम भी नहीं पकड़ी जा रही। फ्रांस ने चिट्ठी में लिखा, मेरी प्यारी फैनी, ज्यादा सोचना मत, बस मेरे लिए दुआ करना। फ्रांस का अगला ठिकाना तेजिल जेल है। यहाँ गांव में पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का बर्ताव फ्रांस के परिवार से बिगड़ रहा है। कोई उसकी मदद को नहीं आता। कितनी मुश्किल होती है, खासकर एक अकेली महिला के लिए। कुएं का पानी सूख गया है, इस बार बरसात अच्छी होने की बहुत जरूरत है। लोग हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, लोग हमारे पेड़ों से फल चुरा ले जाते हैं, और मैं कुछ नहीं कह पाती। हमारे मवेशी मार दिए गए। जिस बातों से डर था वो अब होने लगा है। अब तो चर्च में भी घुसने की इजाजत नहीं मिलती, मगर मुझे विश्वास है ऊपर वाला हमें उतने ही दुख देता है जिन्हें हम झेल सके। फ्रांस की आखिरी चिट्ठी मिले कई दिन हो गए। ये चिट्ठी भी तो बड़ी हिम्मत देते हैं, खबर रहती है कि उम्मीद अभी बाकी है। फैनी 2 दिन का सफर करके सीधे सेना के दफ्तर पहुंची कि फ्रांस की कोई खबर नहीं मिल रही,
वो कहाँ है, कैसा है, मगर वहाँ से उसे नाउम्मीदी ही हासिल हुई। फ्रांस की कोई खबर न मिलने पर उसकी माँ का बर्ताव भी बहू के लिए अच्छे नहीं रहे। उन्हें लगता है कि फैनी ने ही उसे ऐसी पट्टी पढ़ाई है। पहले तो मेरा बेटा ऐसा नहीं था। एक दुखी माँ और क्या करे, उनकी भी अलग मजबूरी है। फैनी उन्हें वापस लाने के लिए हर सरकारी दफ्तर का दरवाजा खटखटाती है, मगर कोई फायदा नहीं। यहाँ बर्लिन के जेल में फ्रांस की हिम्मत तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। उसे तरह तरह से यंत्रणाएं मिलती। वो भगवान से धैर्य मांगता, क्योंकि उसे मालूम है इसका कोई अंत नहीं। गांव में फैनी के साथ जितना भी बुरा हो रहा हो, जितनी भी मुसीबतें झेलनी पड़ रही है उसे, कहीं किसी एक के भी अच्छे बर्ताव भर से फैनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। भगवान ने फ्रांस की सुन ली। उसका अकेलापन दूर करने के लिए कुछ दिनों बाद उसके यहाँ एक दोस्त आया। वो ट्रेनिंग के दिनों में साथ रहते थे। बड़ा ही दिलदार और खुशमिजाज बंदा है, जैसे किसी ने कमरे में रोशनी भर दी। हंसी और उम्मीद ने दोबारा फ्रांस के दिल में दस्तक दी। चलो इस तरह थोड़े और दिन तो रहा जाएगा। एक दिन उसका केस मिलिट्री कोर्ट में दाखिल हुआ। अदालत में पेशी के लिए उसका बुलावा आया। पेशी के दौरान फ्रांस अपनी बात पर अड़ा रहा। थोड़ी देर के लिए जब मुकदमे को स्थगित की गई, एक वरिष्ठ अधिकारी ने फ्रांस को मिलने बुलाया और अकेले में कहा, क्या लगता है तुम्हें कि तुम्हारा ऐसा करने से वाकई किसी को कोई फर्क पड़ेगा? बाहर जो जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। तुम्हारे बारे में कभी कोई जान भी नहीं सकेगा। बस तुम्हारी जगह किसी और को लड़ाई के मैदान में उतार दिया जाएगा। तो तुम्हें ये सब करके क्या हासिल होगा? इतनी देर से चुप बैठा फ्रांस बोला, मुझे कुछ हासिल नहीं करना है। ना ही मैं ये समझता हूँ कि मैं सही हूँ और बाकी सब गलत। मैं एक मामूली से गांव में रहने वाला छोटा सा किसान हूँ। बस मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है कि जो गलत है वो मैं नहीं कर सकता, और मैं किसी के साथ गलत करना नहीं चाहता। अधिकारी उसके इस बेबाक शब्दों के आगे निशब्द हो गए। सच को ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं, फिर भी उसकी आवाज़ गूंजती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद दो अफसर आकर फ्रांस को ले गए। वो अधिकारी अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाया और फ्रांस की खाली कुर्सी पर जा बैठा। शायद वो उसकी जगह पर खुद को रखकर महसूस करना चाहता हो। अदालत ने फ्रांस को सजाए मौत दे दी। जब वो वहां से निकल ही रहा था कि एक वकील ने उसके पास आकर कहा, अभी भी कोर्ट को कुछ वक्त लगेगा तुम्हारी सजा को मान्यता देने में। तुम अभी भी अपनी जान बचा सकते हो। जब वापस जेल पहुंचो तो इन कागजों पे दस्तखत करके भिजवा देना। मैं इसके आगे सब कुछ देख लूंगा, मगर जल्दी करना होगा। कमरे की मेज पर वो कागज पसरा हुआ है। फ्रांस को आज गांव की, घर की बहुत याद आ रही है। वो उन पहाड़ों, हरी नरम घास और उनमें खेलते बच्चों को देखना चाहता है। और यूं ही बैठे बैठे उसने रात काट दी। वहां फैनी को वकील का खत आया है। फ्रांस को फांसी सुना दी गई है। फैनी रोते हुए चर्च के पादरी के पास पहुंची। कहा, मुझे बर्लिन जाना है। ये सब कैसे हो गया? पादरी भी साथ चलने को तैयार हुआ। जब वो वहां पहुंचे, उन्हें इंतजार करने के लिए एक कमरे में छोड़ दिया गया। थोड़ी देर में पुलिस फ्रांस को लेकर पहुंची। तकरीबन साल भर बाद वो एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। कितना मजबूर है कि वो फैनी को गले भी नहीं लगा सकता। उसके हाथ बंधे हैं। वकील बोला, इसे समझाओ, ये इसका आखिरी मौका है बचने का। इसके दिल में क्या है, किसी को कोई लेना देना नहीं। बस जुबान से हिटलर की प्रतिज्ञा पढ़नी है। जो भी सही है गलत है। देख तो रहे हो क्या अंजाम मिला तुम्हें। अपने परिवार का सोचो, बच्चों का सोचो। और यहाँ फ्रांस सिर्फ फैनी की आंखों में देख रहा है। उसकी दुविधा, उसका डर, सच्चाई, सब उसके चेहरे पर फैनी साफ साफ पढ़ पा रही है। उसने एक ही पल में सारी मुश्किलें आसान कर दी और उसके सीने से बोझ का पत्थर हटा दिया। वो बोली, तुम्हें जो सबसे सही लगता है, जो तुम्हारा दिल कहता है वही करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और रहूंगी। शायद फ्रांस जितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है, उतना ही बड़ा फैनी ने भी दिया है। उन्हें तुरंत अलग कर दिया गया और फ्रांस को वहां से ले गए। फैनी को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो क्या करे, क्या बोले। ये आखिरी बार उसने फ्रांस को देखा, अब कभी नहीं देख पाएगी। वापस लौटते वक्त भी उसे फ्रांस के अलावा किसी के शब्द सुनाई नहीं दे रहे। वापस जाकर उसे मजबूत बने रहना है, अपने बच्चों के लिए। वो टूट गई तो सब फ्रांस के फैसले को गलत समझेंगे। उसे फ्रांस के लिए जीना है, उसे सही में साथ देना है, उसके जाने के बाद भी। फ्रांस के इस दुनिया से जाने के बाद उसके गांव के लोगों को उसके युद्ध में ना जाने के सही मायने समझ आए कि वो मरने से नहीं, मारने से डरता था। अब समय के साथ सब ठीक होने लगा। वो साथ मिलकर खेतों में काम करने लगे और गांव के बच्चे फ्रांस के बच्चों के साथ खेलने भी लगे।
फ्रांस और उस जैसे कई लोगों की जिंदगी के मायने शायद लोगों को कभी बाद में समझ आए। ये वो लोग हैं जिन्हें कभी इतिहास में नहीं लिखा गया, जिनकी गुमनाम कब्र आज भी अपनों के फूल का इंतजार कर रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया को थोड़ा और रहने लायक बनाया है, जिन्होंने इंसानियत को जिंदा रखने के लिए अपनी जान दे दी। इसी के साथ मैं ये दिल छू लेने वाली कहानी यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। कहानी पसंद आई तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक के साथ साथ ढेर सारा शेयर भी पक्के से करें। कहानी सुनते रहिए, सुनाते रहिए। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।